रोजगार नहीं कर रहे। चलो वो अलग बात, सर छलांगे मारते हैं ना, छलांगे मारने की आदत है लोगों को, बस ये शांति की रोटी खाने में समस्या है, ये फर्क है और कोई बात। क्यों दो नंबर गंदा करने की जरूरत ही क्या पड़ेगी? जो रिक्शा चला के रोटी नहीं खा रहे उनके घर क्या टूट गए क्या? जो अरबपति हो गए क्या उनके डिवोर्स नहीं होते? जो अरबपति है खरबपति है उन्हीं के डायबिटीज क्यों होती है? उन्हीं के कैंसर क्यों होते हैं? दे आर नॉट हैप्पी, आई एम सेइंग दिस। उसको पैसे में हैप्पीनेस लगेगी, आगे देखेंगे कितनी हैप्पीनेस करती है, आगे पता चलेगा। ये जितने भी प्राइवेट एरोप्लेन लेके चल रहे हैं ये कितने हैप्पी रहते हैं? इंदिरा गांधी कितनी हैप्पी हुई, गोलियां कितनी लगी? राजीव गांधी कितनी हैप्पी, गोलियां कितनी लगी? गांधी कितना हैप्पी, गोली कितनी लगी? ये सामने आई एम अ कॉमनर, आई एम अ कॉमन मैन। कॉमन मैन तो हैप्पी है। यस बी अ कॉमनर, व्हाई यू वांट टू बिकम अ बिग मैन? चलो खैर ये हमारा कोई मतलब नहीं इसका, इस वजह से हमारा तो पत्नी देखो, पत्री पत्नी नहीं पत्नी देखो। सर जैसे अलग क्वेश्चन थी, जो अभी ये नक्सलाइट हमला हुआ तो उस समय क्या जो जितने भी लोग थे वो सब 5-8-12 या इस तरह का उनका कोई राहु या शनि की दशा चल रही थी, ऐसा हो सकता है एक साथ जैसे सामूहिक हत्या हुई? हाँ ऐसा हो सकता है। सभी के 7-8-12 चल रहे होंगे ना सर जी, जितने मरे हैं सबके 7-8-12 चल रहे हैं। कौन कौन मरे हैं जो या गोली लगी है, जो ज्यादा रेपुटेड है कौन है? मैन कर्मा नंदकुमार पटेल। कर्मा जी ने कितने मरवाए नक्सलाइट? बहुत। इसका मतलब उनकी जन्म पत्री में 7-8-12 होगा तो उनका 7-8-12 होगा। इंदिरा गांधी ने कितने मरवाए? 7-8-12 था, 7-8-12 कितने हुए? श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल एमरजेंसी में उसने क्या किया, हिस्ट्री उठा के देख लेना आपके सामने है। बस सर दूसरा जो हम देंगे सर इस यूनिवर्स को वही मिलेगा। दूसरा कभी कभी होता है बस जा रही है वैष्णो माता जा रही है कहीं पे, पूरी पूरी बस चली जाती है सर। एक 50 का मरेगा, 50 साल वाला, एक 12 साल वाला मरेगा, एक 28 साल का मरेगा, तो सबका उस समय एक्सीडेंटल डेथ का योग है। सर ये बस क्यों मिलेगा? इसीलिए कभी कभी उसमें बच जाता है, वही बचता है जो बिल्कुल जिसका लाइफ लॉन्गिविटी होगी उसे। हाँ अब इस समय मैरिज का चैप्टर खत्म कर दिया, मैरिज का अब हम क्योंकि हम ये डिस्कशन शाम 7 बजे तक खत्म नहीं होगी। ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है वो केस का कंप्लीट नहीं हुआ, क्या रह गया? डीजी वो भी हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर हेल्थ टॉपिक पर तो नहीं नहीं वो सिंपल है मैडम, मैं दिखाया था आपको एक बड़ा 1 मिनट के काम है, उसमें ज्यादा लंबा जुड़ा बात नहीं है। एच एच फॉर हेल्थ का होता है, एच ठीक है। ये है 1-6-8-12, ये 8-12 ये बिना आपको ना इसमें आएगा नहीं, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। ये आप डॉक्टर साहब को पता है आपको नहीं पता, ये है 1-4-10 ठीक है, 1-4-10 और 1-6-8-12 आपको यही कॉम्बिनेशन देखना है ठीक है, 1-4-10 एंड 1-6-8-12 फॉर बेड हेल्थ ठीक है। अब देखो 1-4-10-6-8-12 केसो में, 1-4-10 वीनस में, 1-4-10-1-6-8-12 मून में, 1-4-10-6-8-12 राहु में, जुपिटर में 1-8-10-12 है, शनि में 1-4-10 है ठीक है। कितनों में हो गए? 1-2-3-4-5-6 ये असाध्य रोग है, ये रोग जाएगा नहीं। क्या बीमारी है जो हो गया? मतलब कम हो जाते हैं बहुत ज्यादा, किसी या कुछ नहीं पता चलना मैडम। और सैटर्न इज नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ बैड हेल्थ सर, ब्लड कैंसर होने को भी करता है। हां ये ब्लड इज ब्लड कैंसर होगा जी इसमें, डॉक्टर साहब काम ज्यादा है इसमें, मेरे को कम पता नहीं डेफिनेटली, क्योंकि मैंने तो कॉम्बिनेशन बताया डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ये कॉम्बिनेशन आगे आप देखो ये डिजीज आप पकड़ लेते हैं डॉक्टर, ये डिजीज लाल आ जाए, इनको जो भी डिजीज होगी लाल आ जाए, लाल ये तो पक्की है। 1-4-10 बहुत ज्यादा है, 6-6-8 चलिए कि थोड़ी सी रिलीफ इन व्हिच दशा थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, वो जिसमें नहीं है मैडम देखो ये मार्स है, ये इसमें दिक्कत नहीं है, तो मार्स का पीरियड हो गया, अभी सन चल रहा है, ये रिलीफ का पीरियड है इस समय हमारे हिसाब से, इससे भी हमारे में रिलीफ है। जब सैटर्न मून आएगा तब बताएंगे, तब बताना हमें क्या हो गया, देन इट विल बी रियल बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट दशा
किडनी जाएगी किडनी छोड़ दूंगा बंद कर।